राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का मामला, सदस्यता मामले में आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी, ब्लॉक लेवल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का आंदोलन होगा। कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में रणनीति पूरी तय की गई। कल ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठक की गई जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप शामिल रही और रणनीति तैयार की गई है। सदस्यता दरअसल राहुल गांधी की चली गई है। 2019 में उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था मोदी सरनेम को लेकर, उस पर गुजरात की सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ऐलान किया। हालांकि उसी दिन उन्हें जमानत भी मिल गई। 30 दिन का वक्त दिया गया कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक, आपको बता दें कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा सजा का ऐलान अगर किसी जनप्रतिनिधि को होता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। यही कारण रहा कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। अब सांसद नहीं कहलाएंगे राहुल गांधी क्योंकि संसद की सदस्यता उनकी रद्द हो गई है। दोपहर 1 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज इस पूरे मामले पर देखना होगा क्या राहुल गांधी की तरफ से कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हमलावर है बीजेपी पर इस पूरी कार्रवाई को लेकर।